सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बज। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस न्यू फ्रेश वीडियो में। कल जैसे ही CUET का एडमिट कार्ड आया, काफ़ी सारे स्टूडेंट के डाउट्स आए। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि भैया आखिर हमें क्या क्या चीज़ों को लेकर हमें एग्ज़ाम हॉल में जाना होगा। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है, क्या लेटेस्ट अपडेट है एडमिट कार्ड के, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, डॉक्यूमेंट्स, या फिर हम एडमिट कार्ड को कैसे फिलअप करें। तो ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेक श्योर कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स बस का, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको सिंपली सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स बट यहाँ पे हमारे 7,000 ज़्यादा स्टूडेंट हैं, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना है सभी को, ठीक है, जो बच्चे नहीं किए हैं उनके लिए। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, बट यहाँ पे NTA का एक इंस्ट्रक्शन आया हुआ है कि आप अपने एडमिट कार्ड को 14 मई इवनिंग में जाकर एक बार फिर से नया रिवाइज वाला डाउनलोड कर लें, जिससे जो भी आपके प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे काफ़ी बच्चे बोले कि भैया मेरा यहाँ पे ये सब्जेक्ट का नहीं शो कर रहा है, तो ये आपका जो भी आपका चीज़ें रहेगा वो सब कुछ आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अगर आपका कोई भी चेंजेस वगैरह होता है उसके अंदर तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, सबसे पहले तो आपको प्रिंट करवाना है, आप जहाँ से भी चाहें साइबर कैफे जाकर करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी आपकी, एंड ये चीज़ें आपका यहाँ पे दिया गया है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का जो टेस्ट डिटेल्स है ये आपको मिल जाएगा। अब हो सकता है अगर आपका एग्ज़ाम कुछ लेट में हो तो आपका कुछ यहाँ पे डेट मेंशन ना हो, तो आपको डेट शीट मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स बस अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। फाइल्स वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा डेट आपका जो आया है, या फिर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे भी आपका डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री बायोलॉजी का 15 को होने वाला है, उसके बाद हिंदी का जो है यार वो आपका 16 को है, मैथमेटिक्स का भी 16 को है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे आगे तो ये सारा डेट मेंशन है, बाकी यहाँ पे टेस्ट या फिर जनरल टेस्ट ये सभी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका सब्जेक्ट है ये है आपका इंग्लिश, एंड इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका 15 मई को होने वाला है, सेकेंड शिफ्ट में है, एंड यहाँ पे आपका 3 बजे से लेकर 3:45, एंड वही बात करें यहाँ पे तो रिपोर्टिंग टाइम आपका 1 PM है, एंड आपका जो गेट क्लोज होगा वो आपका 2:30 पे क्लोज हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये आपका जो टेस्ट वेन्यू है, मतलब कहाँ पे आपका सेंटर गया हुआ है, कौन से इंस्टीट्यूट या फिर जगह, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, राइट। ये अगर आगे मैं बात करूँ जो सबसे बड़ी बात होती है, इतना सारा चीज़ें लिखा होता है तो बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 passport size photograph एज पर द सेम अपलोडेड, तो जो यहाँ पे आपका ये फोटो है यही सेम फोटो आपको लेकर जाना है एक, बट आप 2-3 फोटो जरूर ले लेना सेम, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म पे है, जो कि आपको आगे चल के पेस्ट करना होगा अटेंडेंस वाली सीट पे। अब अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे तो 40 out of 50 क्वेश्चन आर टू बी मार्क्ड इन द एग्जाम एक्सेप्ट इन जनरल टेस्ट, तो जो आपके बेसिकली सब्जेक्ट है मोस्टली उसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा, और जो आपका जनरल टेस्ट रहेगा उसमें आपके 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि मैंने आपको ये बता दिया है, और अगली बात अगर यहाँ पे बात करें तो द कैंडिडेट मस्ट चेक केयरफुल दैट द टेस्ट बुक बुकलेट कोड प्रिंटेड ऑन OMR आंसर शीट इज द सेम एज प्रिंटेड ऑन टेक्स्ट बुक, जो तो आपको वहाँ पे जो भी पेपर मिलेगा एंड आपका जो OMR मिलेगा उस पर जो भी आपका ये नंबर रहेगा वो आपको मैच कर लेना है कि उसमें कोई कोड में कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। तो ये चीज़ें आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से मेंशन अपना जो भी है चेक करके मिला लेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे आई, अब ये चीज़ें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फिलअप करना है, तो आई उसके बाद आपका नेम रहेगा, रेजिडेंट का मतलब होता है कि आप कहाँ के निवासी हो, है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि आपको अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के साथ अपने स्टेट का नाम भर सकते हो, एंड ये सभी चीज़ें बताया गया कि यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको नोटिसेस दिया गया है ये सभी आप अच्छे से पढ़ लिए हो, तो ये, और उसके बाद यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है, ठीक है, तो ये A4 साइज पे आप जब जेरोक्स करवाओगे तो निकलवाओगे, तो ये जो सिग्नेचर है टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, तो ये सिग्नेचर आपको अभी से नहीं करके लेकर जाना रहेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो द एबो अंडरटेकिंग हैज़ टू बी फिल्ड इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर, तो जो आपको ये फिलअप करना है ये आपको पहले से कर लेना है, बट सिग्नेचर आपको जब एग्जाम सेंटर में जाओगे, एग्जाम हॉल में,
प्रेजेंस में आपको इन्विजिलेटर के करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए गए हैं, जैसे नो नोट करके ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड, तो यहाँ पे कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक कैंडिडेट हु हैज एग्जाम इन द नेक्स्ट शिफ्ट विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड द सेंटर प्रीमिसेस, तो आपको अगर आपका मान लो किसी अगले ही शिफ्ट में एग्जाम है तो आपको नेक्स्ट मतलब बाहर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। बाकी कैंडिडेट कैन ओनली लीव द एग्जामिनेशन सेंटर इन द सेशन ब्रेक, जब आपको ब्रेक मिलेगा तभी होगा, आपको बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये सब चीज़ें हैं बेसिकली, तो ये PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है, एंड ये मैंने आपको बता दिया। तो PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको बेसिकली क्या करना है कि उनको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बताया गया जो फर्स्ट है, द कैंडिडेट मस्ट रीच द एग्जाम सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिपोर्टिंग, तो आपको जो भी एडमिट कार्ड पे टाइम दिया गया है रिपोर्टिंग टाइम उसके पहले ही आराम से अच्छे से पहुंच जाइए। नो कैंडिडेट सेल बी परमिटेड टू एंटर, एक बार अगर गेट क्लोज हो जाता है तो आपको परमिशन अंदर के लिए नहीं मिलेगा, तो पहले से ही आप अच्छे से चले जाइए। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो नो कैंडिडेट सेल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको परमिशन तभी मिलेगा जब एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, टाइमिंग आपका खत्म हो जाएगा तभी आपको बाहर आने की अनुमति मिलेगी। तो इसका ये हो गया। ऑन कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ, जो मान लीजिए आपका एग्जाम अगर खत्म हो जाता है पहले ही तो आपको वेट करना पड़ेगा जब आपका इन्विजिलेटर बोलेगा कि अब आप जा सकते हो तभी आपको छोड़ना पड़ेगा। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द केयर एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द एडमिट कार्ड, तो जो आपको एडमिट कार्ड पे ये सभी चीज़ें मिली है इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ सेंटर डिटेल्स एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, तो सेल्फ डिक्लेरेशन मैंने अभी ऊपर जो बताया आपको, आपका नाम और आपका जो होम टाउन है, साथ में आप अपना स्टेट भी लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको फिलअप करके ले जाना है। बाकी सिग्नेचर आपको करना है इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में जब आपका एग्जाम हॉल में पहुंचोगे, जब वो आपको बताएंगे तब। बाकी ये आपको बता दिया गया है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है ये सभी चीज़ें अच्छे से आप पढ़ लीजिए, एग्जाम डिटेल्स है, वेन्यू है। एंड अगर यहाँ पे सबसे पहली बात करें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो देखो यार यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका रिलीजियस अगर बात करें कुछ कस्टम्स होते हैं तो वो सभी चीज़ें आप वियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड वैलिड आईडी एंड प्रॉपर फिस्किंग। अब फिस्किंग मतलब ये होता है कि यार आपका बेसिकली वहाँ पे चेकअप वगैरह होता है जो भी बायोमेट्रिक, वो सभी चीज़ें होगा। आपका एक वैलिड कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आपका ओरिजिनल वाला होना चाहिए, तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, एडमिट कार्ड, तो ये सभी चीज़ें आपको लेकर जाना होगा। अगर आपको अंदर क्या क्या अलाउ रहेगा तो पर्सनल ट्रांसपेरेंट बॉटल या फिर आप पेन ले जा सकते हो जो ट्रांसपेरेंट रहे, बॉटल भी आपकी ट्रांसपेरेंट रहे, 250 ml, आधा लीटर, 1 लीटर का लेकर जा सकते हो। एडिशनल फोटोग्राफ जो भी है आपका बेसिकली सेम एप्लीकेशन पे, तो वो आप मान के चलो कि 2-3 ले लेना, वैसे एक में काम हो जाएगा। एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडर टेकिंग, जो मैंने आपको भी बताया है, 4 साइज पे आपका ये होना चाहिए, ठीक है। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडर टेकिंग इन लेवल लेजिबल हैंड राइटिंग, तो ये मैंने आपको बताया कि आगे से ही आपको फिलअप करके, एंड अगर आप PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। 12वां पे अगर बात करें 12th नंबर पे, तो कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, जहाँ पे सिग्नेचर मांगेगा वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। बाकी ये मैंने बता ही दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी, क्लास 12th का जो एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल स्टूडेंट जो स्कूल की आइडेंटिटी है, इसमें से कोई भी आप एक लेकर जा सकते हो। एंड आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि अंदर आपका कोई भी एग्जाम सेंटर के अंदर कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर एसेसरीज या फिर मोबाइल या फिर आपका स्मार्ट वॉच हुआ, ये किसी भी प्रकार की चीज़ें आपको अंदर नहीं ले जाने की अनुमति है, तो ये सब चीज़ें आपको बाहर ही ले जाना पड़ेगा। बाकी अगर मैं बात करूँ ड्रेस कोड का, तो यार आप आराम से मतलब सिंपल सा पहन के जाओ यार, बहुत हीरो तो बनना है नहीं, हीरो बनना होगा तो यार कॉलेज में बनना, बट एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो अच्छे से अपना आप सिंपल सा शर्ट भी पहन सकते हो, या फिर ज़्यादा प्रिंटेड ना रहे ऐसा कोई आप टी शर्ट पहन लो, लोअर में जा सकते हो, हवाई चप्पल या फिर सिंपल चप्पल में भी जा सकते हो, तो ज़्यादा इसमें यार नीट की तरह तो उतना ज़्यादा नहीं रहता चीज़ें, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस, बट फिर भी आप सिंपल सा जितना अच्छा हो सके ट्राई करो। एंड ट्राई करना कि आप बेल्ट वगैरह जो मेटालिक चीज़ें हैं उसको अवॉइड करने का, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको OMR शीट, ये सभी चीज़ें आपको अंदर मिलेगा, ठीक है, तो रफ करने के लिए भी आपको पेपर अंदर ही मिल जाता है,
तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी NTA AI बेस्ड एंड बहुत सारी क्या क्या टूल यूज़ करता रहता है, बट मुझे तो नहीं लगता इनके टूल यूज़ करने के बाद भी, आपने देखा होगा नीट एग्जाम में नकल हुआ, चीटिंग हुआ, पेपर लीक वगैरह सब कुछ हुआ, बट ठीक है NTA यहाँ पे ये सभी चीज़ें बोला हुआ है। बाकी आपको यहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ से एडमिट कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखो एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शंस आया, कल मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ था कि आपको 14 तारीख को लेट इवनिंग तक अपना डाउनलोड कर लेना, जिससे अगर आपके कोई भी चेंजेस होते हैं एडमिट आपके एग्जाम सेंटर में या फिर एडमिट कार्ड में, वो आपको फिर वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स बच गए, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी हमारा ये आपको बताइए हमारा ये है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आप सभी को अच्छे से एग्ज़ाम देकर आना, एंड फर्दर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।